दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज अपने इस ब्लॉग में हम कटहल की सब्जी बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होगा। तो इस वीडियो को स्किप ना करिएगा, पूरा का पूरा देखिएगा और अपने घर में ट्राई करिएगा। तो कमेंट करके बताइएगा कि सब्जी आप लोगों को कैसी बनी, और सब्जी बहुत अच्छी और टेस्टी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो को जरूर देखिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और मेरी वीडियो को प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले हम अच्छे से सब्जी को धो लेंगे। दो प्याज, दो टमाटर, डेढ़ मिर्ची और 5-6 लहसुन की कलियां और दो अदरक का टुकड़ा है, इसे अच्छे से ग्राइंड करना है ग्राइंडर में। अब ले जा रहे हैं इसको पीसने के लिए। अच्छे से मसाला पीस चुका है, देख ही सकते हैं। इसके बाद अब कटहल को उबलने के लिए रखेंगे। थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर रखना है इसको कुकर में। टमाटर में थोड़ा सा कटा धनिया डाल के पीसेंगे तो ये इसकी प्यूरी और ही अच्छी बनती है और टेस्टी भी लगता है, मसाला और टेस्टी हो जाता है। इधर कटहल पक रहा है, यहाँ प्यूरी भी तैयार हो गई है और धनिया भी काट लिए हैं हरा। एक सीटी लगने तक इसको रखेंगे फिर उतार लेंगे। कटहल पक चुका है, अब इसको हम भूनना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तेल डालेंगे और खड़े मसाले तैयार किए हैं, तेज़पत्ता है और इलायची है, एक चुटकी जीरा है, एक चुटकी अजवाइन है, एक चुटकी राई है और इसके बाद खड़े मसाले जो हैं तेज़पत्ता, इलायची, ये सभी डाल के इसको थोड़ा सा चला देंगे। इसके बाद फिर 2 चम्मच कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, इसको तेल में थोड़ा चला देंगे। फिर प्याज वाले मसाले डालेंगे इसमें, इसे अच्छे से भून लेंगे। 1 चम्मच हल्दी भी डाल दिया है हमने, इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन और मीठापन चला जाए। उसके बाद ही फिर टमाटर की प्यूरी डालेंगे। इधर पानी उबलने के लिए रख दिए हैं और इधर टमाटर की प्यूरी भी डाल दिए हैं। अब इसे तब तक भूनेंगे जब तक ये कढ़ाई छोड़ने न लग जाए मसाला। जब पक जाएगा तभी कटहल इसमें डालना है। इधर पानी भी उबल रहा है सब्जी के लिए। मसाला देखिए लगभग तैयार हो चुका है, पक चुका है। अब इसमें गरम मसाला डाल दिए हैं 2 चम्मच और स्वाद बढ़ने के लिए। हमने लाल मिर्ची नहीं डाला है क्योंकि हमारे यहाँ लाल मिर्ची कोई खाता नहीं है। और अच्छे से पानी को निथार करके हमने कटहल को इसमें डाल दिया है। कसूरी मेथी भी डाल देना है 1 चुटकी। अब इसे अच्छे से मिला लेना है, थोड़ी देर इसको 2 मिनट ढक के रखना है ताकि इसका मसाला कटहल के अंदर तक भी चला जाए, भुन जाए अच्छे से। हो गया 2 मिनट, अब इसमें पानी डालेंगे, वही कटहल का पानी डालेंगे और हींग भी डालना है। हम तो हींग भूल गए थे पर आप लोग ना भूलिएगा, क्योंकि देखिए सब्जी को भी में थोड़ा सा स्वादानुसार नमक डालना है, पानी अपने अनुसार डालना है। हम थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिए हैं क्योंकि हमारे यहाँ ये हुआ कि चावल से खाना है तो पानी डाल देना है, रसेदार सब्जी अच्छी लगेगी। और ये देखिए इतना पानी डाले थे लेकिन पकते पकते बढ़िया सब्जी बन गई है, एकदम रसेदार अच्छी सब्जी। इसमें हरा धनिया काट के डाल देना है और इसको बढ़िया चावल और रोटी के साथ सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी बनी है सब्जी। चलिए देखते हैं, इसको निकाल के थाली में ले जाते हैं, पतिदेव खिलाते हैं, देखिए उनको कैसे लगता है। बहुत ही टेस्टी बनी है सब्जी, देखिए खा रहे हैं कैसा बना है, इनको तो बहुत अच्छा। वीडियो देखने के बाद कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा और आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा।